सीबीएसई बोर्ड के इस सर्कुलर के बाद दोस्तों एक और सबसे बड़ी जो है आप लोग के इंग्लिश को पेपर को लेकर एक सबसे बड़ी ऑफिशियली जो है चौंकाने वाली अपडेट निकल के सामने आ गई है। क्लास 10 के बच्चे दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। सीबीएसई बोर्ड का दोस्तों इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आने वाला है, क्योंकि पूरे देश भर में दोस्तों क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर को कराने के साथ साथ दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने इस साल का पहला इंग्लिश का पेपर को कंडक्ट करवा लिया। तो क्लास 12 का पेपर के बाद दोस्तों अब क्लास 10 के पेपर को लेकर भी यहां पे बोर्ड के एक्सपर्ट्स ने साफ साफ क्लियर करके बता दिया है कि 10 का बच्चों का पेपर कैसा होगा। यानी कि उन्होंने दोस्तों पेपर देखने के बाद जो है बच्चों को यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट दिया है। सबसे पहले एक एक करके समझिए, अगर आप लोग दोस्तों इंग्लिश में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं, इंग्लिश में दोस्तों अगर आप लोग को ये देखना है कि इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आ रहा होगा, तो सबसे पहले आपको ये चीजें समझना होगा। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों क्लास 12 का पेपर को कंडक्ट करवा लिया। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्लास 12 का पेपर कैसा रहा। तो क्लास 12 का दोस्तों बच्चों के अकॉर्डिंग बात करें तो क्लास 12 का पेपर दोस्तों मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कहा कि हमारा पेपर जो है इजी रहा। काफी सारे बच्चों के लिए दोस्तों पेपर जो है मॉडरेट रहा, लेकिन हार्ड की जो है जिक्र यहाँ पे निकल के सामने नहीं आई। एक अच्छी बात है 10 के बच्चों के लिए भी जो बच्चे इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले जो है आपके जो सीनियर है उनका इंग्लिश का पेपर हो गया है, तो वहां से एक अच्छी खबर तो निकल के सामने आई इंग्लिश के पेपर को लेकर कि हार्ड पेपर नहीं हुआ, इजी ही हुआ। कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट पेपर लगा, टाइम कंज्यूमिंग जैसी चीजें भी निकल के सामने आई। सवाल सबसे ज्यादा है क्लास 10 के बच्चों का कि हमारा पेपर किस तरीके से आएगा। तो इसको लेकर दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के एक्सपर्ट्स ने भी दोस्तों यहां पर अपना मुंह खोल दिया है, और उन्होंने दोस्तों क्लास 10 के बच्चों को जो है यहां पे साफ साफ दोस्तों एक बड़ी बात जो है उन्होंने कह दी है जो आपको समझना है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को दोस्तों यहां पे साफ साफ सजेस्ट किया गया है कि आप लोग का भी पेपर दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग का जिक्र यहां पे इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि क्लास 12 का पेपर जो है इजी था, लेकिन दोस्तों जिन बच्चों ने इंग्लिश में अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की थी उन्हें दोस्तों पैसेज में सबसे ज्यादा दोस्तों शिकायत आ रही थी। पैसेज में दोस्तों बच्चों को आंसर ढूंढने में डिफिकल्टीज आ रही थी। यानी कि दोस्तों एक चीज है यहां पर जो साफ साफ निकल के सामने आया है इंग्लिश के पेपर से कि रीडिंग सेक्शन जो स्टार्टिंग में जो आपका रीडिंग वाला सेक्शन है जहां पे आप लोग को आंसर्स ढूंढ के आपको लिखने होते हैं, वहां पे दोस्तों बच्चों को डिफिकल्टी फेस हुआ। काफी सारे बच्चों ने कहा कि हमारा ज्यादातर टाइम जो है इसी में लग गया। तो ये चीजें जो है साफ साफ निकल के सामने आई बड़े क्लास के पेपर से, और सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 और 10 में दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं होता है पेपर में। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखना होगा, सीबीएसई बोर्ड के एक्सपर्ट्स दोस्तों ये साफ साफ कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो है टाइम कंज्यूमिंग पेपर हो सकता है। ऐसे में आप लोग को सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों आप लोग रीडिंग सेक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। अब इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या प्रो टिप्स अपना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है दोस्तों रीडिंग सेक्शन में पहले की तरह बोर्ड जो है अब सवाल नहीं देगी कि आप जो है क्वेश्चंस को पढ़िए और डायरेक्ट जो है आंसर ढूंढिए और आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर दोस्तों तभी आप मिल पाएगा आपको जब आप जो है पैसेज को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ के आप समझ पा रहे होंगे। जब तक आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा जब तक दोस्तों आप आंसर लिख ही नहीं पाएंगे, आंसर आपको मिलेगा ही नहीं। ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों पैटर्न में चेंज हो गया है, कॉम्पिटेंसी बेस को जो है सीबीएसई बोर्ड अप्लाई कर रही है। तो अब आपको ऐसा रटा रटाए चीज नहीं मिलेगा कि आप जो है सिंपली क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे और उसी से जो है मिलता जुलता आपको पैसेज में एक सेंटेंस मिल जाएगा और आप जो है डायरेक्टली आंसर को लिख देंगे, तो ऐसा चीजें नहीं होगा। अब दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। तो शायद यही कारण था दोस्तों कि बच्चों के लिए जो है यहां पे पेपर टाइम कंज्यूमिंग रहा। काफी सारे बच्चों को दोस्तों रीडिंग सेक्शन में यानी कि 10-10-20 नंबर का दोस्तों आपका रीडिंग सेक्शन है वहां पर दोस्तों बच्चों को काफी टाइम लग गया सोल्व करने में। तो आपको दोस्तों जरूरी है कि आप लोग रीडिंग सेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। एक अच्छी खबर दोस्तों कल के पेपर के बाद जो है यहां पर एक और निकल के सामने आया जो 10 के बच्चों के लिए एक पॉजिटिव खबर है दोस्तों। यानी कि प्रिंसिपल और काफी सारे जो है एक्सपर्ट्स ने दोस्तों जब पेपर को एनालिसिस करके उन्होंने जो है पेपर का जो है आउटपुट निकाला, तो दोस्तों एक चीज जो निकल के सामने आया पेपर में दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट थे, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो है शुरुआत से ही यानी कि जब से पेपर आपका स्टार्ट हुआ था तब से दोस्तों एक वर्ड बार बार जो है हर एक पेपर में निकल के सामने आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड डायरेक्ट सवाल दे रही है। ये इंग्लिश में काफी सारा डर था, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा था इंग्लिश में काफी ज्यादा यहाँ पे फियर होता है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा घुमाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी तक जो है ऐसा कोई भी पेपर में देखने को नहीं मिल रहा है जहां पे क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा घुमाया जा रहा हो। चाहे कोई क्वेश्चंस हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। डायरेक्ट में सीबीएसई बोर्ड सवाल पूछ रही है जिससे बच्चे जो है इजिली जो है समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या है और आंसर लिख पा रहे हैं। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों जो इंग्लिश के पेपर में भी आपको दोस्तों डायरेक्ट में सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों क्लास 12 या इससे पहले भी तो जो भी पेपर हो रहा है उसमें डायरेक्ट सवाल
सवाल देखने को मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चंस को ज्यादा घुमाया नहीं जा रहा है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, वो जो है इजीली जो है क्वेश्चंस को पूछ लिया जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस है बच्चों को भी समझ में आ रहा है जिससे बच्चे इजीली आंसर दे पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर निकल के सामने आई जो आप लोग के लिए दोस्तों इस बार इंग्लिश में एक प्लस पॉइंट रहेगा बच्चों के लिए। यहां पे दोस्तों अपने लिटरेचर में दोस्तों आप नंबर को पूरे ले पाएंगे क्योंकि लिटरेचर में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही है बच्चों को। ज्यादातर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे रीडिंग सेक्शन में ही, पैसेज वाले में दोस्तों प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने को देखने को सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों स्टिल यहां पे एक अच्छी खबर ये रहेगी कि कल सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों आपके ऑब्जर्वेशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया था। आप लोग दोस्तों 27 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप लोग दोस्तों लिटरेचर में आपको ऐसा लगता है कि लिटरेचर में जो मुझे पैसेज पूछा गया वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वाला पैसेज पूछ लिया गया, तो आपको इसको टेंशन लेना नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वेशन को लेकर दोस्तों सर्कुलर आ चुका है। अगर आपको ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा पैसेज में पैसेज हार्ड पूछा गया या पैसेज में जो है कोई लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लिया गया जिससे बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये पैसेज क्या कह रहा है, तो ऐसा कुछ भी होगा तो इसको लेकर टेंशन तो लेना ही नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वेशन को लेकर दोस्तों ऑलरेडी सर्कुलर आ चुका है। अगर कुछ भी होगा तो आपको नंबर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर को मॉडरेट किया जाएगा, सारी चीजें बोर्ड करेगी, तो इसको लेकर आप लोग निश्चिंत रहिए। बस मैं एक ही चीज आखिर में कहना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा जो है यहाँ पे रीडिंग सेक्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिटरेचर के सारी स्टोरी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और ग्रामर में लेटर का जो है फॉर्मेट वगैरह देख लीजिएगा, तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा, आप लोग इंग्लिश को लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, जाके नहीं देखा है तो फटाफट जाके देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि आज दोस्तों मैं आपको सेट 2 का इंग्लिश का पेपर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को याद से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही दोस्तों इंग्लिश का मैं आपको पेपर दूं तो सबसे पहले आप तक पेपर पहुंचे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, जय हिंद।